समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र और शिवपाल के भतीजे अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल की घोर विरोधी बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बुआ और भतीजे साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि हाथी को पोलियो हो चुका है और साइकिल में वो रफ्तार रही नहीं, लेकिन बीजेपी को 2019 में रोकने के लिए अखिलेश और मायावती फिर से जातिगत गठजोड़ करके मोदी की लहर को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश की चाचा से दुश्मनी है, सपा में 2019 में भितरघात होना तय है। बिना चाचा से मुक्ति पाए अखिलेश कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। संगठन की शक्ति अखिलेश के पास है नहीं। मायावती का साथ पाने के लिए भी सवाल यही है कि टिकट बंटवारा कैसे होगा। साथ लड़ेंगे तो पसीना बहा रहे कार्यकर्ता कहां जाएंगे। अखिलेश के साथ आने में माया का फायदा है, माया का साथ लेने में अखिलेश का भीतरी नुकसान है। गठबंधन से सपा के भीतर असंतोष बढ़ेगा। अखिलेश तो हाथ मिला लेंगे लेकिन कार्यकर्ता मायूस होंगे। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के संकेत अखिलेश ने दे दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि बुआ जी से कोई झगड़ा नहीं है। समाज के हर तबके को प्रभावित करने वाली आर्थिक अराजकता की वजह से अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा अपने वजूद में आ सकता है, क्योंकि मौजूदा हालत में समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश ही एक ऐसा चेहरा है जिनको लोग पसंद करते हैं। अखिलेश के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो या तो राजनीति सीख रहे हैं या फिर अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। संगठन के लिए आस्थावान लोगों का समाजवादी पार्टी में अकाल है। अखिलेश आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है। हर विपक्षी दल और नेता के साथ मेरे अच्छे संपर्क हैं। मैंने बुआ जी यानी मायावती से बात की नहीं है, लेकिन उनसे भी मेरे अच्छे संबंध हैं। अखिलेश की किस्मत कह लीजिए या दुर्भाग्य कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी सबसे अच्छे संबंध होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके अपने ही घर के लोग दूसरी पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये राजनीति है और राजनीति में संदेश बड़ी चीज है। अखिलेश ने खुद की तो इमेज मिस्टर क्लीन की बना ली है, लेकिन इस चक्कर में संगठन के भीतर सैकड़ों छेद हो चुके हैं जो भीतरघात करने के लिए 2019 की राह देख रहे हैं।